डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सूरज को मैं 15 साल से जानती हूँ। वो बिट्रे नहीं करेंगे। वो आदमी परसों मरा, उसे मैं 40 साल से जानता था। साल तो डजंट सीम टू वर्क फॉर मी दिव्या। कैपिटल एन कैपिटल ओ, दैट मींस नो। इतना समझता है तो तू क्यों बार बार आता है? 4 महीने। हर कहानी में 2 किरदार होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव रोल ही जरूरी नहीं लाइमलाइट छीने। कभी कभी तालियां बुरे किरदार के लिए भी बराबर बजती है। आज की कहानी किसी देशभक्त एजेंट की नहीं बल्कि एक ISI एजेंट की है। एक ऐसी औरत जिसने ना जाने कितने इंडियन ऑफिसर्स को अपने जाल में फंसाया। वैसे इस एजेंट का नाम किसी को नहीं पता है, लेकिन रिया नाम से इसके बारे में पता चला है। आर्मी में गनर प्रदीप राजस्थान में पोस्टेड था और शक ना हो इसलिए प्रदीप को टारगेट बनाने से पहले रिया ने राजस्थानी बहुत ही ज्यादा अच्छे से सीख ली थी, यानी राजस्थानी भाषा उसने अच्छे से सीख ली थी। ये इंस्टाग्राम पर इन्हीं फेक नाम का इस्तेमाल करके प्रोफाइल बनाती और उस पर अपनी अदाएं दिखाती। साथ ही रिया ने अपने आसपास भगवान की पूजा करने का भी ढोंग करके वीडियो अपलोड किया, जिसके कारण लोग उसे पक्का हिंदू समझे। अब तक प्रदीप उसके जाल में फंस चुका था क्योंकि रिया ने प्रदीप को शादी तक के वादे कर दिए थे। अब रिया को अगले कदम की ओर बढ़ना था। उसने प्रदीप को वीडियो कॉल्स करनी शुरू कर दी। पहले तो प्रदीप रिया को छोटी मोटी बातें बता देता था, लेकिन वीडियो कॉल्स के बाद से रिया ने प्रदीप को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। प्रदीप ने पहले तो निडर होके मना किया, लेकिन फिर वो करता ही क्या, उसको झुकना पड़ा। आखिर उसकी इज्जत का जो सवाल था। प्रदीप ने मिशन टेस्टिंग की कुछ बहुत ही खुफिया वीडियो उसे बनाकर भेज दी। इतने में ही उसका मन नहीं भरा और उसने काम के बाद और बकरे ढूंढने शुरू कर दिए। दरअसल उसके पास कुछ आसान टारगेट्स थे, क्योंकि जब प्रदीप रिया से बात करता था तब उसने अपने और 7 जवानों दोस्तों से बात करवाई थी, यानी रिया की अच्छी बातचीत करवा दी थी। रिया ने उन्हीं को अपना अगला शिकार सोचा हुआ था। रिया अब तक 10 सोल्जर्स को अपने इस ट्रैप में फंसा चुकी है और पकड़ी नहीं गई, क्योंकि वो खुद को एक गवर्नमेंट नर्स बताती है जो कि डिफेंस में काम करती है। साथ ही वो उन्हीं ऑफिसर्स के नीचे काम करती है जो पाकिस्तानी आर्मी में अच्छी पोस्ट पर होते हैं। पठान की बात करें तो इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी मिलती जुलती हो सकती है। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज़।